अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू जिडी मिटला ऑफिशियल चैनल। शेख सईद बावजीर के खातिलों का हुआ बड़ा खुलासा, 13 लाख की सुपारी लेकर किया गया है मर्डर। सादी फैमिली ने दिया है सुपारी। पुलिस की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक अहमद बिन हजब और मोहम्मद अयूब इन दोनों ने मिलकर किया है बावजीर का कत्ल। पुलिस ने बताया है कातिलों के पीछे 6 लोग है शामिल, जिसमे से A1 अहमद बिन हजब, A2 अहमद बिन सादी, A3 अब्दुल्ला सादी, A4 सालेहा सादी, A5 उमर सादी, A6 मोहम्मद अयूब। ये 6 लोग में से 2 लोग को फरार बताया है। देखते हैं पुलिस इस केस में क्या एक्शन लेती है। इस केस में शेख बावजीर राउडी शीटर ऑफ चंद्रयाना पुलिस स्टेशन गुटा पुलिस स्टेशन लिमिट्स का में उसको मर्डर किया गया है। तो तुरंत केस बुक करके हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। इस इन्वेस्टिगेशन में हमको ये पता चल गया कि एक मेन अकील अहमद बिन हजब, इन्होंने मोहम्मद अयूब इन दोनों मिलके ये शेख सईद बावजीर का ऑफिस को जाके उधर इसको स्टैब किया गया है। बट इसको और अंदर जाके इन्वेस्टिगेशन किया गया तो इसमें एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी था। तो इससे पहले अहमद सादी और अब्दुल्ला सादी म्युनिसिपल चेयरमैन जलपल्ली म्युनिसिपालिटी एंड साले सादी और उमर सादी इस फैमिली का सादी फैमिली का ऊपर ये शेख बावजीर ने बहुत सारे कई वीडियोस बना रहा है। सो इस वीडियोस में इसको पर्सनली डिफेम कर रहा है। ये कुछ इरेगुलरिटीज है, लोगों को ऐसा कुछ नहीं कर रहा है बोल के बहुत सारे वीडियोस इसका अगेंस्ट क्रिएट किया है। सो ये करके और ब्लैकमेल में किया है। इस ब्लैकमेल में सादी फैमिली कुछ पैसा भी दिया गया है। फिर भी शेख बावजीर ने फिर से थोड़े दिन के बाद पैसा लेने के बाद थोड़े दिन के बाद फिर से वीडियोस बनाना शुरू किया है। सो इसको एलिमिनेट करेगा देन ओनली दे विल बी नो ए डिस्टर्बेंस चले जाता बोल के ये सोच के अहमद सादी, अब्दुल्ला सादी, साले सादी, उमर सादी ये 4 लोग एक कॉन्स्पिरेसी करके इसको बुलाया है। अहमद बिन हिजाब, ये अहमद बिन हिजाब और शेख बावजीर का एक रिलेशनशिप था। इन दोनों एक बार चंचलगुड़ा जेल में एक रिमांड का टाइम पे मिला है। उस समय से इन दोनों का थोड़ा होमोसेक्सुअल का रिलेशनशिप भी था। सो इसको यूज़ करके ये अहमद बिन हिजाब को एक टूल जैसा यूज़ करके शेख बावजीर को मारने के लिए एक क्रिमिनल प्लान डिसाइड किया गया है। तो इस प्लान में A1 अहमद बिन हिजाब को बुला के 13 लाख पैसा ऑफर भी किया है। ये ऑन दिस कंडीशन इसको मार के इसका नाम नहीं आना है, सादी फैमिली का नाम नहीं आना बोल के इसको मोटिवेट किया है, गाइड किया है। सो इसके हिसाब से 10 अगस्त में अहमद बिन हिजाब ने मोहम्मद अयूब को दोनों जाके एक बच्चा को थोड़ा धमकी देके इसको होमोसेक्स करने के लिए शेख बावजीर के ऑफिस को लेके गया। सो उधर उस टाइम पे शेख बावजीर के पास कुछ हथियार वगैरह नहीं है। सो थोड़ा रिलैक्स कंडीशन में था उस टाइम में, अटैक करने का अच्छा टाइम सोच के मोहम्मद बिन हिजाब ने वो चाकू लेके आया। पहले चाकू और चिल्ली पाउडर स्प्रे करके चाकू से स्टाब करके मार दिया है। सो इसका मौत होने के बाद ऑल अक्यूज आर अब्सकॉन्डिंग सिंस द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। सो हमने 8 इन्वेस्टिगेशन टीम्स फॉर्म किया गया है। सो इसके हिसाब से आज पूरा 4 आदमी को रिमांड के लिए भेज रहे हैं, अहमद बिन हजब, अहमद सादी, अब्दुल्ला सादी, मोहम्मद अयूब खान। इन 4 आदमी को, 4 अक्यूज को आज रिमांड कर रहे हैं। सो इस समय पर आई अप्रिशिएट ऑल द इन्वेस्टिगेशन टीम ACP चंद्रयाना गुट्टा, SHO बनलगुड़ा एंड देयर क्राइम कांस्टेबल्स, DIs एंड एवरीवन। थैंक यू।